नमस्कार, रात के 11 बज चुके हैं। वक्त हो गया है तफ्तीश का। मैं हूं आपके साथ नीरज तिवारी। तफ्तीश की इस कड़ी में हम आपको अगले आधे घंटे में दिखाएंगे जुर्म की सबसे बड़ी खबरें। उन खबरों की करेंगे तफ्तीश, अपराध की वजहों की करेंगे पड़ताल, साथ ही यह भी जानने की कोशिश होगी कि इन अपराधों का समाज पर कितना असर पड़ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज की तफ्तीश की कड़ी। और तफ्तीश में सबसे पहले बात वाराणसी की। बाबा विश्वनाथ के शहर में कुछ ऐसा हुआ जिससे आम आदमी की सुरक्षा को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। यहां चंद बदमाशों ने रेलवे स्टेशन पर सैकड़ों लोगों के बीच एक दंपति से मारपीट की। बेखौफ बदमाशों ने महिला को किडनैप करने की कोशिश भी की। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, लेकिन वारदात के 2 हफ्ते बाद भी पुलिस अब तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। दिन के उजाले में सैकड़ों लोगों के सामने रेलवे स्टेशन पर जो हुआ उसे गुंडागर्दी कहते हैं। इस दबंगई की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले तस्वीरों को देखिए। तस्वीरों में सब कुछ साफ साफ नजर नहीं आएगा, लेकिन आवाज से साफ होता है कि चंद लोग एक महिला को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। महिला खुद को बचाने की गुहार लगा रही है। गाड़ी के आसपास भीड़ अफरा तफरी है, लेकिन बदमाशों के सामने सबके हौसले पस्त। जिस जगह दहशत और दबंगई की ये कहानी लिखी गई, वो जगह है वाराणसी का मड़वाडी रेलवे स्टेशन। पवन वर्मा 7 फरवरी को अपनी पत्नी के साथ वाराणसी पहुंचे थे। शाम के करीब 7 बज रहे थे। ये दंपति ट्रेन से उतरता उससे पहले ही करीब 15 लोग दंदनाते हुए पहुंचे और मारपीट शुरू कर। इससे पहले कि पवन कुछ समझ पाते, दबंगों ने मारपीट कर उन्हें किनारे कर दिया और उनकी पत्नी को जबरन अपने कब्जे में लिया और चलते बने। शाम की घटना है, 7 बजे जब मैं सियोंगा ट्रेन से दिल्ली जा रहा था, मैं एसी कोच के सेकंड एसी पे प्लेटफॉर्म पे खड़ा था। कुछ अज्ञात लोग अचानक आते हैं और मुझे मारना स्टार्ट कर देते हैं और मेरी बीवी का अपहरण करके इनको भी मार के गाड़ी में डाल देते हैं। एंड देन क्या होता है कि वो हमें बहुत ज़्यादा मारते हैं और फिर मुझे भी उठा के गाड़ी में डाल देते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं बहुत डरा सहमा सा रहता हूँ गाड़ी में, फिर मैं बचाओ बचाओ चिल्लाता हूँ। तो कुछ लोग वहाँ पे पब्लिक वगैरह और कुछ आरजीपी के लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचते हैं और जबरदस्ती गाड़ी को रोककर हमें गाड़ी से बाहर निकालते हैं। उसके बाद हम भागकर तुरंत प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वो लोग भाग जाते हैं। जीआरपी के किसी भी आदमी या पब्लिक के द्वारा उसमें से किसी को भी नहीं पकड़ा गया। हम बहुत डरे सहमे थे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग थे। हम सीधे ट्रेन पकड़ के दिल्ली वापस चले गए। हमें बहुत चोट लगी थी, हमने अपने वहाँ पर इलाज करवाया। जब हम स्वस्थ हो गए तो फिर हम दोबारा बनारस आए हैं आज सुबह की ट्रेन से और हमें अपना लिखित कंप्लेन दर्ज करना है। मैं चाहता हूँ कि उस पर FIR हो और उचित कार्रवाई हो। ऐसा नहीं था कि वारदात के वक्त मौके पर लोग नहीं थे। पूरा स्टेशन खचाखच भरा हुआ था। रेलवे स्टेशन कैंपस में सुरक्षा के लिए GRP तैनात थी, लेकिन लोग एक विवाहित जोड़े को पीटता देखते रहे। बदमाश फिल्मी स्टाइल में महिला को लेकर स्टेशन के बाहर अपनी गाड़ी तक पहुंच गए, लेकिन तब तक ये खबर आग की तरह फैल चुकी थी। बदमाशों की गाड़ी के आसपास सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए थे। खुद को भीड़ से घिरा देखकर बदमाश किसी तरह अपनी जान बचाकर फरार हो गए। तो अचानक से कुछ लोग, मतलब बहुत ज़्यादा लोग, वो मैक्सिमम 15-20 लोग, जैसा कि भीड़ में सब लोग बोल रहे थे, वो लोग आए और इनको अचानक से मतलब थप्पड़ मार के ट्रेन के साइड धक्का दे दिया और मुझे ज़बरदस्ती उठा के ले जाने लगे। इवन ले जाके गाड़ी में भी डाल दिया। तो वहाँ पे मतलब बहुत भीड़ हो गई थी और GRP वाले कुछ आए तो मतलब पब्लिक नहीं बल्कि पीट के उनको जो उसमें थे गाड़ी में उनको निकाला और मुझे बाहर निकाला। आपके भी अपहरण किया था? मैं था, मुझे गाड़ी में डाल, मैं उस दिन था यहाँ। फिर क्या हुआ उसके बाद?
फिर वही भीड़ आई और हमको बाहर निकाला, फिर हम लोग का टिकट था, ट्रेन का टाइमिंग। क्या वो लोग पकड़ गए? नहीं कोई नहीं, सब लोग भाग गए थे। कितनी पुलिस रहते हुए पब्लिक होते हुए सब भाग गए? इवन पुलिस तो स्टार्टिंग में बस देख ही रही थी, बट पब्लिक थी इसलिए बाद में हेल्प मिल गई। वाराणसी में रेलवे स्टेशन कैंपस में हुई इस वारदात ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग दहशत में हैं कि कैसे स्टेशन पर मुसाफिर भी सुरक्षित नहीं है। वारदात को 2 हफ्ते से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है, लेकिन आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसका पति था, जा रहे थे तो लड़की के परिवार वाले लड़की को ले जाना चाह रहे थे, गाड़ी में बैठाए थे। कुछ एक वीडियो वायरल हो रहा है फेसबुक और व्हाट्सएप पे, वीडियो के बारे में कुछ जानकारी, क्या इसमें मामला दर्ज कर लिया गया? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया है, विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। किन किन धाराओं में? 147, 323, 504, 506। क्या वो स्टेशन परिसर में ही घटना हुई या बाहर? नहीं, वो मंदिर के पास हो तो परिसर क्षेत्र में ही आता है। क्या सुरक्षा की कमी थी? सुरक्षा की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि घटना अचानक घटित हुई और सूचना मिली, पुलिस पहुंची, उसके बाद लड़की को सुरक्षित उतारा गया, जब तक स्टेशन निकल गया। वाराणसी में हुई ये वारदात सवाल उठा रही है कि आखिर कैसे रेलवे स्टेशन पर दबंग ऐसी वारदात को अंजाम दे सकते हैं? आखिर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? और बड़ा सवाल ये कि वारदात के 2 हफ्ते बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर क्यों? रवि पांडे, इंडिया 24/7, वाराणसी। अब बात दिल्ली के आंटी 420 गिरोह की, उस गिरोह की जिसकी वजह से दिल्ली की शादियों में खौफ है। लोग डरे रहते हैं कि पता नहीं कब चाची 420 वाला ये गैंग आए और शादी में बेशकीमती सामान को गायब कर दे। दिल्ली पुलिस ने ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह में सिर्फ महिलाएं थी। वारदात को अंजाम देने के लिए ये गिरोह पहले ऑटो पर सवार होकर इलाके की रेकी करता था। खास बात यह है कि गिरोह में शामिल सभी महिलाएं मध्य प्रदेश के राजगढ़ की रहने वाली हैं। दिल्ली की शादियों में चाची 420 का खौफ। शादी के मंडप से कहीं गायब हुई ज्वेलरी, कहीं गायब हुआ कैश। सीसीटीवी ने खोली चाची 420 की पोल। दिल्ली की हाई प्रोफाइल शादियों में लगातार हो रही चोरियों की वारदात ने दिल्ली पुलिस को परेशान कर दिया था। पुलिस हैरान थी, घर वाले हैरान थे, लड़की वाले परेशान थे। आखिर वो कौन है जो हाई प्रोफाइल शादियों में सिक्योरिटी को धोखा देकर कभी कैश तो कभी गहनों से भरा बैग लेकर गायब हो जाता है? चंद दिन पहले दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में ऐसी ही एक हाई प्रोफाइल शादी में रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया था। शिकायत पुलिस तक पहुंची और पुलिस ने जांच शुरू की तो पुलिस चाची 420 के इस गैंग तक पहुंची गई। ये गैंग रोज शाम को सज सवर कर इसी ऑटो में बैठकर दिल्ली की आलीशान शादियों की रेकी करते और टारगेट को आइडेंटिफाई करने के बाद ऑटो से उतरकर मेहमान की शक्ल में शादी में दाखिल हो जाते। इस दौरान ऑटो वाला उनका भारी इंतज़ार करता और मौका मिलते ही सामान पर हाथ साफ करने के बाद वो इसी ऑटो में बैठकर फरार हो जाते। इस गैंग ने पिछले एक महीने में करीब 40 से ज्यादा वारदातों को अंजाम दिया था। चाची 420 के इस गैंग में सिर्फ महिलाएं शामिल थीं। हर शाम ये महिलाएं सज संवर कर अपना शिकार तलाशने निकल पड़ती थीं। ऑटो पर सवार होकर चाची 420 का ये गैंग पहले हाई प्रोफाइल शादियों की रेकी करता। जहां ज्यादा माल मिलने की उम्मीद होती उस शादी में ये गैंग घुस जाता। शादी में ये लोग ऐसे घुसते जैसे मेहमान हों। लड़की वालों को लगता ये लड़के वालों की तरफ से आए हैं, वहीं लड़के वालों को लगता कि ये लड़की वालों की तरफ से आए हैं। क्राइम ब्रांच इंटरस्टेट सेल चाणक्यपुरी ने एक गैंग को बस्ट किया है जो कि शादियों में जाके और घुल मिलकर बैग उठा लेते हैं। ये टारगेट करते थे जो हाई प्रोफाइल शादियां हैं या हाई प्रोफाइल वेन्यूज़ हैं, जैसे इन्होंने ललित होटल में भी चोरी की है। इनका जो सीसीटीवी फुटेज में देखने से ऐसा लगता है कि
बहुत ही शातिर तरीके से ये घुल मिल जाते हैं अनइनवाइटेड, वहाँ गेट क्रैश करके, और गेस्ट में ऐसा लगता है कि जैसे ये मैरिज पार्टी में ही इनवाइटेड गेस्ट है। जहाँ मंडप होता है, जहाँ पे शगुन के पैसे होते हैं, और जो उसको ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि भाई इस व्यक्ति के पास ये पैसे हैं। शादी के मंडप में घुसने के बाद ये गैंग उस जगह पर पहुंच जाता जहां फेरे हो रहे होते थे, वहीं कैश और गहने रखे रहते थे। गैंग के सभी मेंबर इंतजार करते कि कब शादी में शामिल लोग मौके से हटें। जैसे ही कैश या गहने की देखरेख में जुटा आदमी अपनी जगह से हिलता, ये गैंग बैग लेकर रफू चक्कर हो जाता था। और जैसे ही मतलब बहुत पेशेंस से, धैर्य से काम करते हैं, जैसे ही इनको लगता है कि अब वो लोग भी थक जाते हैं, क्योंकि फेरे वगैरह होते होते काफ़ी समय हो जाता है, तो जब सब लोग थके से हो जाते हैं और कोई कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है या इधर उधर जाना है, उसी एक पल में जब इनको लगता है कि उसके ऊपर से फोकस हटा हुआ है बैग से, उसको गायब कर देते हैं। उसके बाद सब लोग ढूंढते रहते हैं, अरे वो बैग रखा था कहाँ गया कहाँ गया। इतने में ये लोग बाहर, इनका जो ऑटो वाला होता है वो तैयार रहता है, ये तुरंत भाग के उसमें बैठते हैं और ऑटो के साथ भाग जाते हैं। खास बात यह है कि महिलाओं का ये गैंग मध्य प्रदेश के राजगढ़ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक शादियों में चोरी करने वाले कई गैंग मध्य प्रदेश से ही ताल्लुक रखते हैं। पुलिस को आशंका है कि राजगढ़ के गैंग देश के दूसरे हिस्सों में भी ऐसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इस एरिया के भी बहुत सारे गैंग्स हैं जो शादी ब्याह और इस तरह से बैग लिफ्टिंग करते हैं, जहाँ जाके अलग अलग स्प्लिंटर ग्रुप्स हैं उनके, लेकिन सबकी एक्सपर्टीज इसी चीज़ में है कि शादी ब्याह में जाके उठाना। पिछले जो दो गैंग बस्ट हुए थे उसमें एक में जुवेनाइल को वो यूज़ कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ था, और दूसरे जो था उसके अंदर इसी तरह की मॉडस ऑपरेंडी थी। लेकिन ये वाला जो गैंग है ये ऑल फीमेल गैंग है, मतलब इसके अंदर सारी की सारी महिलाएँ हैं। चाची 420 के इस गैंग ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए खास तौर पर ऑटो किराए पर लिया था। इस ऑटो को ये गैंग रोजाना 2000 रुपए किराया देता था। इस गैंग ने अब तक 40 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। गैंग के पास से नकदी और ज्वेलरी के साथ ही शादियों में पहनने के लिए खास तौर पर बनवाए गए कपड़े भी बरामद किए गए हैं। प्रमोद शर्मा, इंडिया 24/7, दिल्ली। यूपी में 3 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं, चौथे चरण के चुनाव के प्रचार थम गए हैं। अब तक चुनाव के दौरान हिंसा की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई है, लेकिन यूपी से दूर बैठे चंद शातिर यूपी चुनाव में हिंसा की साजिश रच रहे हैं। इसके लिए दिल्ली से हथियारों की खेप यूपी पहुंचाने की साजिश रची गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हथियारों के सौदागरों को गिरफ्तार कर लिया। एक हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली से यूपी हथियार सप्लाई करने की साजिश को दिल्ली पुलिस ने नाकाम किया है। दिल्ली बनी हथियारों की मंडी। यूपी चुनाव में हिंसा की साजिश। दिल्ली से हो रही थी हथियारों की सप्लाई। यूपी में 3 चरण का मतदान हो चुका है, अब तक हिंसा की कोई बड़ी वारदात नहीं हुई, लेकिन लोकतंत्र के इस उत्सव को खूनी बनाने की पूरी तैयारी थी। दिल्ली पुलिस ने सीलमपुर इलाके से हथियारों के एक तस्कर को गिरफ्तार किया तो यूपी चुनाव में हिंसा की साजिश का पर्दाफाश हुआ। साजिश की पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इन हथियारों को देखिए। ये वो हथियार हैं जिन्हें यूपी के बदमाशों को सुपुर्द किया जाना था। सोचिए, अगर ये हथियार बदमाशों तक पहुंच जाते तो कितना खून बहता। सीलमपुर इलाके से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने मोहम्मद अरशद को पकड़ा तो हथियारों के सौदेबाज का खुलासा हुआ। अरशद खुद इन हथियारों को बनाता था। हथियारों की यह खेप मेरठ के रफाकत नाम के आर्म्स डीलर को बेची जाती थी। रिफाकत ऑन डिमांड इन हथियारों की सौदेबाजी करता था। सीलमपुर के एरिया से एक मोहम्मद अरशद नाम के आदमी को पकड़ा है, जिसके पास से 21 इलीगल फायर आर्म्स रिकवर किए हैं। इन 21 फायर आर्म्स का कंपोजिशन इस तरह से है, इसमें 5 लोकल मेड .32 की पिस्टल्स हैं विद 5 मैगजीन्स, 14 जो हैं वो .315 के कंट्री मेड पिस्टल्स हैं, और 2 .32 के कंट्री मेड पिस्टल्स हैं।
जो आदमी पकड़ा गया इसका नाम है मोहम्मद अरशद, ये खुशहाल कॉलोनी मेरठ का रहने वाला है, 38 साल उम्र है इसकी। इसमें जो कंट्री मेड पिस्टल्स हैं ये खुद मैन्युफैक्चरिंग भी यही करता था। ये पहली बार नहीं जब दिल्ली में हथियारों की खेप बरामद हुई। महज 5 दिन पहले दिल्ली के आजादपुर इलाके से भी पुलिस ने हथियारों की कैसी खेप बरामद की थी। तब हथियार मध्य प्रदेश से लाए गए थे और उनकी भी सप्लाई यूपी में होनी थी। जनवरी से अब तक हथियारों की 3 खेप दिल्ली में बरामद हुई है। ये सारे अवैध हथियार यूपी में सप्लाई किए जाने थे, लेकिन गनीमत रही कि समय से पहले पुलिस को खबर मिली और हथियारों के सौदागर पुलिस की गिरफ्त में आ गए। आगे ये रिफाकत नाम के आदमी को सप्लाई करता था कंट्री मेड पिस्टल्स। इसने एक लाल मोहम्मद, एक क्रिमिनल था जिससे बनाना सीखा, 2.5 साल पहले लाल मोहम्मद के टच में आया और उससे इसने कंट्री मेड पिस्टल्स बनाना सीखा। पहले लाल मोहम्मद के लिए काम करता था। तकरीबन पिछले 3-4 महीने से ये इंडिपेंडेंटली, जब लाल मोहम्मद की डेथ हो गई तो उसके बाद से इंडिपेंडेंटली काम करने लगा। ये बात ऐसी आई है कि इन वेपन्स को यूपी इलेक्शंस के लिए जाना था, ये बात सामने आई है। एग्जैक्टली ये जो रिफाकत है ये उसकी अरेस्ट से ही पता चलेगा, लेकिन हाँ ये डेफिनेट है कि ये यूपी इलेक्शंस के लिए जाने वाले हैं, इस तरह की बात आई है। महज चंद दिनों में हथियारों के 2 बड़े खेप बरामद होने से दिल्ली पुलिस हैरत में है। दिल्ली पुलिस अब उन लोगों को तलाश कर रही है जिन्हें हथियारों की सप्लाई होनी थी। राजू राज, इंडिया 24/7, दिल्ली। अब बात साइबर ठगों की, उन ठगों की जो ऑनलाइन ठगी के जरिए आपको कंगाल कर देंगे। दिल्ली में पुलिस ने साइबर ठगों के एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जो लोगों के बैंक अकाउंट से पैसे उड़ा देते थे। ये ठग बैंक ऑफिसर बनकर लोगों को फर्जी फोन करते थे। कार्ड ब्लॉक होने और बोनस दिलाने के नाम पर ये लोगों से डेबिट कार्ड की पूरी जानकारी जुटा लेते थे और फिर शिकार की खाते से उड़ा लेते थे रुपए। महज चंद सेकेंड, एक छोटी सी लापरवाही और आपका खाता साफ हो जाएगा। आपकी गाढ़ी कमाई साइबर ठग उड़ा लेंगे। कैशलेस सिस्टम का जमाना है, लिहाजा हर शख्स के पास डेबिट कार्ड होता है। इस कार्ड के सहारे महज चंद सेकंड में आप एटीएम से अपना पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन यही डेबिट कार्ड आपको कंगाल भी बना सकता है। अगर आपने थोड़ी भी लापरवाही बरती तो साइबर ठग आपकी गाढ़ी कमाई को सफाचट कर देंगे। दिल्ली पुलिस ने साइबर ठगों के एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया है। ये ठग फोन बैंकिंग अफसर बनकर डेबिट कार्ड धारकों को फोन करते थे और उसके बाद चंद जानकारी मांगते थे। जैसे ही ये जानकारी उनके पास पहुंचती थी, आपके खाते से हजारों रुपए ये ठग उड़ा लेते थे। दिल्ली ही नहीं, पूरे देश भर में लोगों के पास बैंकों के एम्प्लॉई बनकर फ़ोन किए जाते हैं कि वो फलाने बैंक से बोल रहा है और उनका कार्ड ब्लॉक कर दिया गया है। उनके जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो है वो बताई जाती है। मसलन हम आपको बताएंगे, ये देखिए, दिल्ली के साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के द्वारका नॉर्थ थाने ने एक ऐसे गैंग का पर्दाफाश किया है जिनके पास से करीब 2,500 लोगों की जानकारी से जुड़ा हुआ ये डाटा है, जिसमें पूरा लोगों का नाम लिखा हुआ है, विक्रम लांबा कहाँ रहते हैं, पूरे माल मियावाली नगर, नई दिल्ली पिन कोड और उनका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, ये तमाम चीज़ें रखी लिखी हुई है। और ऐसे ही लोगों को फ़ोन करते हैं और उनसे बताते हैं कि उनका अकाउंट इस बैंक में है और उसे ब्लॉक कर दिया गया है, अगर उसको आगे सही करवाना है तो कुछ जानकारी वो लेते हैं और उसके बाद OTP नंबर जैसे ही आता है वो लेकर उनसे जो पैसा उनके अकाउंट से निकाल लिया जाता है। काफ़ी बड़ी तादाद में इन लोगों को इन्होंने चीटिंग किया है। देख देखते हैं कि जिन जिन लोगों से जो भी लिखते थे वो इस पर कर देते, और साथ में एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता था जिसपे तमाम जो पैसे लिए जाते थे, निकाले जाते थे, उनकी डिटेल्स इसमें लिखी जाती थी। इन साइबर ठगों के कामकाज का तरीका बेहद आसान था, वही तरीका जो हर बार डेबिट कार्ड धारकों को निशाना बनाने के लिए अपनाया जाता है।
साइबर ठगी करने वाले इस गिरोह का सरगना प्रमोद है। प्रमोद ने अपने साथी मोहित, गौरव और दो अन्य लड़कों के साथ मिलकर ठगी के लिए बाकायदा एक कॉल सेंटर खोला था। इस कॉल सेंटर में बाकायदा 8 लड़कियों को नौकरी पर रखा गया था। ये लड़कियां बैंक से हासिल किए गए दस्तावेज के आधार पर ग्राहकों को फोन करती थीं। फोन पर कस्टमर को ये बताया जाता था कि उसका डेबिट कार्ड ब्लॉक हो गया था। डेबिट कार्ड अनलॉक करने के नाम पर कस्टमर से जरूरी सूचनाएं ली जाती थी और उसके बाद OTP जनरेट कर मांगा जाता था। एक बार OTP हाथ लग जाते ही ये ठग अकाउंट से हजारों रुपए उड़ा लेते थे। जो है जो मेन इसमें आदमी गौरव को अरेस्ट किया गया है। गौरव पहले क्रिकेट खेलता था और सेकंड ईयर की स्टडी भी करता है DU से, और किंग पिन था यही लड़का, और इसका एक एसोसिएट है जो अभी एब्सकॉन्ड कर रहा है, रोहित जिसका नाम है, तो उसकी अभी सर्च जारी है। इसमें गौरव के जो 4 एसोसिएट हैं जो कि वहीं पर कॉल सेंटर में काम करते थे, जिसमें एक लड़का अतुल रावत है जो कि कॉलिंग हेड था इनका, यूजुअली ये लड़का कॉल करता है और काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कॉल करता है। ये लोग प्राइमरली SBI बैंक जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उनके कस्टमर्स को, क्लाइंट्स को टच करते हैं और उनको टारगेट करते हैं। इसकी एक वजह ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब OTP इशू करते हैं तो ये लोग 10 मिनट का कन्फर्मेशन टाइम प्रोवाइड करते हैं, और 10 मिनट सफिशेंट टाइम है जिसमें गौरव और उसकी टीम है जो अतुल लड़का है ये काफ़ी एक्टिवली उसके साथ एंगेज करते हैं, और 10 मिनट सफिशेंट टाइम होने की वजह से ये चीटिंग कर पाते हैं लोगों के साथ में। इस बदमाश कंपनी ने पुलिस से बचने के लिए पूरी तैयारी की थी। एक अकाउंट होल्डर को ठगने के बाद ये अपना सिम कार्ड बदल लेते थे। इनके पास से 50 से ज्यादा सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। सभी सिम कार्ड फर्जी कागजात पर लिए गए थे। इन्हीं सिम के जरिए इन शातिरों ने पेटीएम अकाउंट खोले थे। अकाउंट से उड़ाया गया पैसा इन्हीं पेटीएम खातों में ट्रांसफर किया जाता था। इनके पोजीशन से करीब 60 पेटीएम वैलेट ई वैलेट रिकवर हुए हैं, और जो लड़का एयरसेल की प्री एक्टिवेटेड सिम जो इनको प्रोवाइड कराता है जिसका ललित नाम है उसको भी गिरफ्तार किया गया है। ललित जो है वो प्री एक्टिवेटेड सिम एयरसेल की प्रोवाइड कराता है, एक सिम के 250 रुपये ये लेता है। नॉर्मल तौर पर जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के साथ साथ में जब सिम लेते हैं तो 50 रुपये की पड़ती है, जब आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं कराते हैं तो 250 रुपीज़ लगते हैं ये सिम। तो इसमें हम इस बात को एयरसेल कंपनी के साथ भी टेकअप करेंगे कि कई बार जो ग्राउंड लेवल पर जो कॉन्ट्रैक्टर हैं इनके वो सिम की हेरा फेरी करने में इंडल्ज पाए गए हैं, तो इसकी हम रिपोर्ट उनको भी कन्वे करेंगे। गिरोह ने अब तक सैकड़ों लोगों से ठगी की है। पुलिस जांच रही है कि आखिर इन लोगों ने अब तक कितने लोगों को अपना निशाना बनाया है। साथ ही पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आखिर इस बदमाश कंपनी तक बैंकों के कस्टमर की डिटेल्स कैसे पहुंचती थी। पुलिस को आशंका है कि कई बैंकों के कर्मचारी इन साइबर ठगों से मिले हो सकते हैं। जितेंद्र शर्मा के साथ प्रमोद शर्मा, इंडिया 24/7, दिल्ली। और इसी के साथ तफ्तीश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे अपराध की कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।